आज मैंने शूटिंग करी। सीन कुछ ऐसा था कि राजा हमें बहुत परेशान कर रहा है, वो हमारे साथ रह रहा है, तो उसको भगाने की साजिशें चल रही हैं, प्लानिंग चल रही है कि हम क्या करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो अच्छा नहीं है, वो डबल फेस्ड है, शालू को जैसे दिखाता है, जैसे प्रिटेंड करता है, इज़ नॉट लाइक दैट। तो उसी के ऊपर शूट चल रहा है कि हम लोग प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है कि कैसे हटाएं उसे। बीच में ये सुनाई दे रहा था कि आप आश्रम जाने वाले हैं घर छोड़कर। ये चीज़ तो मुझे नहीं पता थी। आपको पता है आप राइटर से मिले हो। सॉरी मुझे नहीं पता इस बारे में। मैं अपना घर क्यों छोड़ूंगी, मेरा ससुराल है, और मैंने तो उसे अपने धानी ने उसे अपने पूरे दिल से घर मान लिया है, तो उसे क्यों छोड़ेगी। आश्रम ऑब्वियसली मायका है, किसको अपना मायका पसंद नहीं होता, बट हाँ मिलने जाती रहेगी माई बड़ी अम्मा लोगों से, बट कम्प्लीटली वहाँ सेटल होने नहीं जाएगी। शादी के बाद आपकी और विप्लव की केमिस्ट्री कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। इससे पहले की बार भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी और शादी के बाद भी अच्छी है। तो आगे का ट्विस्ट क्या हो सकता है? जो ऑडियंस, अब मैं क्या प्रिडिक्ट करूँ कि क्या हो सकता है? हो सकता है धानी ट्विस्ट हो जाए। आई डोंट नो यार, मैं राइटर से मिली नहीं हूँ। अब देखिए आप लोग, ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आते रहेंगे, आगे क्या आएगा वो मैं नहीं बता सकती, ना मुझे पता है। अगर पता होता तो प्लीज़, अगर आप लोग को पता तो मुझे बता दीजिए। तो अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगी? फैंस को कहना चाहूँगी आई लव यू ऑल, थैंक यू।